ये कैसे हो गया? पता नहीं भाभी श्री, हम तो शोभा को ढूंढ रहे थे और हमारी दृष्टि पड़ गई। हे भगवान, शोभा तो थोड़ी देर पहले यहीं पर खड़ी थी। क्या? शोभा! राजकुमारी शोभा! क्या हुआ रानी बा? धन्य है भगवान, आप ठीक हैं। रानी बा, वो घोड़ा कैसे चारों तरफ से आग में गिरा है? सैनिक उससे बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। शोभा, शोभा कहाँ जा रही आप? रानी बा, हमने इसे बचा लिया। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? हमने आपको मना किया था ना, यदि आपको कुछ हो जाता तो। यदि हम अंदर नहीं जाते तो ये घोड़ा मर जाता। भानु भाई, अब हमसे गायत्री और शोभा के बीच का ये प्यार नहीं देखा जाता। हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक शोभा भीमदेव से अच्छी योद्धा नहीं बन जाती। उसके बाद तुम दद्दा चालुक्य को शोभा के बारे में बताओगी। तुम तो हर बात पे रूठ जाती हो। हम जो कुछ भी करेंगे मिलजुल कर करेंगे। हमने तो दूसरी योजना पर कार्य करना भी आरंभ कर दिया है। समझ में नहीं आता कि गायत्री के हृदय में ये बात कैसे घर करेगी कि उसे अपनी ही संतान चाहिए। पंडित जी, पंचामृत इसमें दीजिए। परंतु राजकुमारी, पंचामृत तो थोड़ा ही लिया जाता है, आप इतना सारा पंचामृत का क्या करेंगी? हम ये अपने बापूजी को देंगे, फिर इन्हें भगवान सोमनाथ का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा और फिर वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे राजकुमारी। अरे आप? हाँ नहीं बा, हम बापू जी के लिए पंचामृत लेकर आ रहे थे, आप पिला दीजिए उन्हें, वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। इसे आप उन्हें पिलाइए। परंतु नहीं बा, वो जब ही हमें देखते हैं वो हम पर क्रोध करते हैं। जब वो नींद में सो जाएंगे तब पिलाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हाथ से पंचामृत पीकर उन्हें अवश्य लाभ पहुंचेगा। शगुनी, अभागिन, तूने हमारे कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया? हम जितना भगवान सोमनाथ से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम आपसे करते हैं बापूजी। झूठ! तुम हमसम से नहीं हमारी मृत्यु से प्रेम करती हो। नहीं बापूजी, ये सच नहीं है। तुम हमें झूठा कह रही हो? तुम्हारे ये सास बड़े भाई, ये शोभा तो आपके आशीर्वाद का हाथ अपने सर पर रखवाने के लिए दिन रात आपकी सेवा करना चाहती है, और आप? यदि आप नहीं चाहते कि वो यहाँ आए तो वो आज के बाद यहाँ नहीं आएगी। शोभा, आप अपने कक्ष में जाइए। हमारी आपसे विनती है, कृपया आप इस निष्पाप निर्दोष बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। करूंगा, एक बार नहीं 100 बार करूंगा। आप नहीं समझ पाएंगे हमारी पीड़ा को। हमारी पीड़ा को तो वही समझ पाएगा जिसकी खुद अपनी संतान